नमस्कार मित्रों, खुशी चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है सत्संग सत्संग सत्संग। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने कहा था कि धर्म से जीवन का रूपांतरण होता है, लेकिन इतने दीर्घ समय तक आपके चरणों में रहने के बावजूद भी मैं अपने रूपांतरण को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या धर्म में जीवन का रूपांतरण नहीं होता है? गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने बतलाया, एक काम करो, थोड़ी सी मदिरा लेकर आओ। शिष्य चौंक गया कि फिर भी शिष्य उठकर गया और लौट में मदिरा लेकर आया। गुरुदेव ने शिष्य ने कहा, अब इससे कुल्ला करो। मदिरा को लोटे में भरकर शिष्य कुल्ला करने लगा। कुल्ला करते करते लोटा खाली हो गया। गुरुदेव ने पूछा, बताओ तुमने नशा चढ़ा या नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव नशा कैसे चढ़ेगा, मैंने तो सिर्फ कुल्ला ही किया है, मैंने उसको कंठ के नीचे उतारा ही नहीं है, तो नशा चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर संत ने कहा, इतने वर्षों से तुम धर्म का कुल्ला करते आ रहे हो, यदि तुम उसको गले से नीचे उतारते तो तुम पर धर्म का असर पड़ता। जो लोग केवल सतही स्तर पर धर्म का पालन करते हैं, जिसके गले से नीचे धर्म नहीं उतरता, उसकी मार्मिक क्रियाएं और जीवन व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। वे मंदिर में कुछ होते हैं, व्यापार में कुछ और हो जाते हैं, वे प्रभु के चरणों में कुछ होते हैं एवं अपने जीवन व्यवहार में कुछ और। धर्म ऐसा नहीं है जहाँ हम बहुरूपियों की तरह जब चाहे वैसा स्वांग रच ले। धर्म स्वांग नहीं है, धर्म अभिनय नहीं है, अपितु धर्म तो जीने की कला है, एक श्रेष्ठ पद्धति है। जीने की कला है, एक श्रेष्ठ पद्धति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।